दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम सिसोदिया की जमानत पर आज अहम सुनवाई। रिहाई से एक दिन पहले ईडी ने किया अरेस्ट। जेल में सिसोदिया की जान को खतरा बता आपने बोला मोदी सरकार पर हमला। दिल्ली शराब घोटाले में बीआरएस नेता के कविता का 11 मार्च को ईडी से सामना। तेलंगाना सीएम की बेटी ने लगाया विपक्षी नेताओं को साजिशन फंसाने का आरोप। केंद्रीय जांच एजेंसियों को लेकर सियासी संग्राम जारी। जंतर मंतर पर महिला आरक्षण के बहाने बीआरएस की अगुवाई में विपक्ष दिखाएगा ताकत। पीएम मोदी को विपक्षी नेताओं की चिट्ठी के खिलाफ बीजेपी 9 राज्यों में करेगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। लोकसभा में राहुल के बयान पर विशेषाधिकार समिति आज करेगी सुनवाई। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे और प्रहलाद जोशी ने की थी शिकायत। कांग्रेस नेता ने प्रधानमंत्री मोदी और अडानी के संबंधों पर दिए अपने बयान का किया था बचाव। पाकिस्तान के पूर्व पीएम और पीटीआई प्रमुख इमरान खान के खिलाफ एक और वारंट जारी। 8 मार्च को इमरान के खिलाफ आतंक फैलाने के दर्ज मामले में क्वेटा कोर्ट ने गुरुवार को जारी किया गैर जमानती वारंट। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।